नमस्कार। तो आज मैं ऐसी चटनी बना रही हूँ जो स्वाद और सेहत दोनों से भरी हुई है और ठंड के मौसम में आपको हर एक बीमारियों से बचा कर रखेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगी। वो है हरा लहसुन, पत्तेदार लहसुन जो आता है उसकी चटनी। ये सीजनल होता है, यानी कि ठंड के मौसम में ही आता है। तो इसके धो करके मैंने छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेने हैं, और एक छोटा कटा हुआ टमाटर या फिर आप दही भी ले सकते हैं। हरा धनिया साफ धो करके लेना है हमें, और हरी या लाल मिर्च के टुकड़े। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप अगर तीखा चाहें तो थोड़ी लाल मिर्च पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं, और बारीक सी चटनी तैयार करेंगे। अब लेंगे पैन में सरसों का तेल या फिर देसी घी, और इसमें चटनी डाल देंगे पीसी हुई धनिया और उसकी लहसुन की। थोड़ा धो करके पानी इसमें डाल दिया है मैंने, और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पकने के बाद इसमें डाल देंगे लहसुन जो हमने बारीक काट करके रखा है। लहसुन के इसमें छोटे छोटे टुकड़े ही अच्छे लगते हैं, पीसना नहीं है हमें। तो इसे धीमी आंच पर हम लगभग 8-10 मिनट पकाएंगे। तो उसके बाद बिल्कुल चटनी बन करके तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और हेल्दी भी है। तो आप रोटी पराठा किसी के साथ भी इसे एंजॉय करें। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।